काश मेरे पास भी बर्मैन की सुपर पावर्स होती। हथौड़ी? हाँ केनिची, तुमने बर्मैन के बारे में सुना है? बर्मैन? हाँ बर्मैन। बर्मैन एक सुपर हीरो है जो कि मुसीबत में फंसे लोगों को बचाता है और अपने अच्छे कामों से पूरे देश का दिल जीत रहा है। और आज ही उसने एक बहुत बड़ी दुर्घटना को होने से रोका है और कई सारे लोगों को बचाया। तो मैं भी बर्मैन से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। हाँ मैं भी बर्मैन से मिलना चाहता हूँ। वैसे मेरे बर्मैन तो तुम हो हथौड़ी, तुम किसी सुपर हीरो से कम हो क्या? थैंक यू केनिची। डिंग 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 डिंग। हाय हाय केनिची, हथौड़ी कहाँ है? हथौड़ी वो ना किसी काम से ना शायद बाहर गया है। मम्मी ने ताजा ताजा सब्जियां मंगाई हैं, लेकर आ जाता हूँ। वैसे तू आज ना ग्राउंड में जल्दी खेलने आ जाना, हमेशा लेट आता है। हाँ, जल्दी आऊंगा। कितना अच्छा लग रहा है कि आज भी परमैन ने अपनी ड्यूटी टाइम पर निभाई है और जरूरतमंदों की मदद की है। यही तो परमैन का फर्ज है कि सही समय पर सब लोगों के पास पहुंचना और सब लोगों को खुशियां देना। ये क्या है? केनिची चल ना, ट्यूशन के लिए लेट हो रहा। हाँ, है चल। तेरी वजह से मैं भी लेट हो जाऊंगा। अरे रुक तो, आ रहा हूँ। घर जाकर आराम करूंगा और अपनी फेवरेट वीडियो गेम खेलूंगा। रोबोट तुमने मेरा होमवर्क किया? नहीं मैंने तुम्हारा होमवर्क नहीं किया। और मैं तुम्हारा होमवर्क क्यों करूँ? मैं तुम्हारा रोबोट हूँ, तुम्हारा नौकर नहीं। तुम्हें बर्डमैन ने क्यों दिया है? इसलिए ताकि तुम मेरी मदद कर सको, मेरी कामों में हेल्प कर सको। लेकिन तुम यहाँ बैठे बैठे सिर्फ खाते रहते हो और मस्ती करते रहते हो। वैसे मित्सुओ, तुम्हारा बैच कहाँ गया? बैच? हाँ मैं उड़कर आ रहा था, मेरे बैच कहीं रास्ते में तो नहीं गिर गया? अब क्या होगा? कितने लापरवाह हो तुम, तुम्हारे चक्कर में मुझे भी बर्डमैन ने गायब कर दिया तो मेरे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। बर्डमैन को पता चल गया ना कि मैंने अपना बैच खो दिया है तो वो मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, मुझे जानवर बना देंगे। मैं ऐसी लापरवाही कैसे कर सकता हूँ? अब क्या करूँ, क्या करूँ मैं? हथौड़ी, हथौड़ी। मम्मी? हाँ बेटा। हथौड़ी कहाँ है? बेटा वो फ्रेश वेजिटेबल और भुट्टा लेने गया है। हाँ भुट्टा तो मुझे भी बहुत पसंद है। मुझे भी। बेटा फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। मुझे छत पर कुछ मिला, देखता हूँ वो क्या है। केनिची? हाँ केनिची, तुम ट्यूशन से आ गए? हाँ मैं भुट्टा लेकर आया हूँ, चलो भुट्टा खाते हैं, मेरा भी बहुत मन कर रहा है, चलो। केनिची ये कैसा साउंड आ रहा है? पता नहीं हथौड़ी, ये साउंड कहाँ से आ रहा है? शायद साउंड इस मूवी से आ रहा होगा। हाँ। मित्सु अब तो तेरा बर्डमैन के द्वारा जानवर बनना पक्का ही समझ, तुझे अपने बैच पर नजर रखनी चाहिए थी। एक काम करता हूँ, रोबोट की मदद लेता हूँ। क्या हुआ मित्सुओ? सुनो रोबोट, याद है जब मैं लास्ट टाइम किडनैप हो गया था
तो तुमने बैच की मदद से मुझे ढूंढ निकाला था, तो अब भी देखो ना मेरा बैच कहाँ है। प्लीज खुद घुमा देते हो और मुझे ढूंढना पड़ता है। चलो ठीक है, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। मित्सु, तुम्हारा बैच में है। थैंक यू रोबोट। ठीक है, मैं वहां जाता हूँ। कई बार तो मन करता है कि मैं ही परमैन बन जाऊं, इससे तो कुछ भी नहीं होता। मम्मी, खाने में क्या बनाया है? बेटा चीज सैंडविच और पास्ता। अरे वाह। रोबोट ने कहा है कि मेरा बैच यहीं कहीं पर है। देखता हूँ कहाँ पर है। शकल से तो ये चोरू चक्का लग रहा है। एक्सक्यूज मी, कौन हो तुम? मैं निंजा हथौड़ी। निंजा? कहीं एक चोर तो नहीं? सुनो, चुपचाप से मुझे मेरा बैच वापस कर दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। बैच? कौन सा बैच? अच्छा, बड़े भोले बन रहे हो, लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। ये कहाँ चला गया? हाँ, क्या हुआ तोड़ी? कैनिची, ये लड़का परमैन? हाँ परमैन, हाँ परमैन। ये तो एक सुपर हीरो है जो देश की रक्षा करता है, जरूरतमंदों की मदद करता है और दुश्मनों को सबक सिखाता है। लेकिन ये यहाँ पर, इसको क्या हुआ? वो बहुत लंबी कहानी है, चलो इसे घर लेकर चलते हैं। हाँ चलो। हाँ, परमैन को होश आ गया। कौन हो तुम और तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए? तुम्हें पता नहीं है मैं परमैन हूँ, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हाँ? नमस्ते परमैन, तुमसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ कि मैंने तुम पर हमला किया। जब तुमने मुझ पर अटैक किया तो मुझे लगा कि कोई बुरा इंसान है, तो इसलिए मैंने तुम्हें निंजा टेक्निक की मदद से बेहोश कर दिया। लेकिन मुझे बाद में आके कैनिची ने बताया कि तुम एक भले इंसान हो। हाँ, ये तो मुझसे माफी मांग रहा है और ये तो अच्छा इंसान लग रहा है। परमैन, तुम हमारी छत पर कैसे पहुँचे और तुम वहाँ क्या करने आए थे? वो क्या है कि मेरा बैच खो गया है। बैच? मेरा बैच लाल रंग का है, उसके ऊपर एक चिड़िया जैसी बनी है। लाल रंग का, याद आया। परमैन, तुम्हारा बैच ये तो नहीं? हाँ यही मेरा बैच है। थैंक यू सो मच। तुम्हारा बैच ना मुझे छत पर पड़ा हुआ मिला था और मैं इसे अपने साथ ले आया। यानी कि जो आवाज आ रही थी वो इसी से थी। हाँ तोड़ी, तुमने सही कहा। थैंक यू दोस्त। डिंग 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 डिंग। परमैन, मुझे माफ करना, मुझे लगा मेरा कोई दुश्मन है जो मुझ पर अटैक कर रहा है, इसलिए मैंने तुम्हें बेहोश कर दिया। अरे कोई बात नहीं, तुमने मुझ पर जानबूझकर हमला नहीं किया था और मैं भी तुमसे क्षमा चाहता हूँ, मैंने भी तो तुम पर अटैक किया था। मेरा नाम है निंजा हथौड़ी, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। हाय अताड़ी, मुझे भी तुमसे मिलकर अच्छा लगा। और मेरा नाम कैनिची है। हाय कैनिची। परमैन, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम हमारे घर पर आए हो। मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ, जब भी मैं तुम्हारे महान कामों के बारे में टीवी में देखता हूँ ना, तो मेरा मन करता है कि मैं भी परमैन बनूं। थैंक यू सो मच कि तुम हमारे घर पर आए। फिलहाल मुझे लेट हो रहा है, मैं जाने की इजाजत चाहता हूँ। हाँ इतनी जल्दी? कैनिची, तुम फिक्र मत करो, मैं तुमसे मिलने जल्द ही आऊंगा, मेरी मम्मी घर पर मेरा इंतजार कर रही होंगी।
इसलिए मुझे अभी जाना होगा। पर मैं तुम्हें जब भी मेरी मदद की जरूरत पड़े तो मुझे याद करना, मैं तुम्हारी मदद के लिए हाजिर हो जाऊंगा जरूर। डिंग 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 डिंग। बाय हथौड़ी, बाय कैनिची, अपना ख्याल रखना, चलता हूँ, फिर मिलेंगे। बाय परमैन, तुम भी अपना ख्याल रखना। बाय परमैन, मुझसे मिलने जल्दी आना, मैं तुम्हारे बारे में अपने फ्रेंड्स को भी बताऊंगा कि मेरे घर में परमैन आया था। चलो, देश को परमैन की जरूरत है। थैंक यू कैनिची, थैंक यू सो मच मेरी मदद करने के लिए। कैनिची, मम्मी ने मुझसे ताजा सब्जियां मंगवाई हैं, मैं लेकर आ जाता हूँ, ठीक है तौड़ी? डिंग 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 डिंग। बाय परमैन, बाय हथौड़ी। हाय गाइस, फटाफट से मोहकनी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हम लोग न्यू वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। आपको निंजा हथौड़ी और परमैन को साथ में देखकर कैसा लगा ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, बेल आइकन भी दबाएं एंड सब्सक्राइब करें टू मोहकनी।